हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। वो प्रोसेस, इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को कैरेक्टर्स शिफ्ट करते हैं। हमें जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स ने डोनेट किए हैं, हमारे पेरेंट्स से हम में मुंतकिल हुए हैं, और जिस शक्ल में मुंतकिल हुए हैं, जिस फॉर्म में मुंतकिल हुए हैं वो है हमारे क्रोमोसोम्स, उनमें पाए जाने वाले कोड्स। एक मशहूर साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के सिटीजन, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप का, वहां के रहने वाले, और वो 1822 में पैदा हुए और उनकी डेथ का ईयर जो है वो 1884 यानी 1884 है। 19वीं सदी के ये साइंटिस्ट जिन्होंने, ऑस्ट्रिया के ये वेल नोन साइंटिस्ट 1860 में पी प्लांट यानी जिसे हम साइंटिफिकली पिसम सेटविम के नाम से जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और वो ये जानना चाहते थे कि पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे शिफ्ट होते हैं। तो बेसिकली उनकी जो रिसर्च है वो सारी फिनोटाइप या उस प्लांट के फिजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे है। उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि उस प्लांट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे उसके आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी में शिफ्ट होते हैं। तो उनकी रिसर्च जो उन्होंने की थी उसके बिना पे उनको फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि उन्होंने ये पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया। पी प्लांट सिलेक्ट करने की वजह यह है कि ये मोस्टली वो प्लांट है जो बहुत ही जल्दी ग्रो होता है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में एक नस्ल से उनकी ग्रोथ भी हो जाती है, उनके सीड भी बन जाते हैं और उनके सीड जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस प्लांट को सिलेक्ट किया था। ग्रेगोर जॉन मेंडल जो कि रिसर्च कर रहे थे पी प्लांट पे, वो उस प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पर रिसर्च करते हैं। वो मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं जिन फीचर्स को, जिन कैरेक्टर्स को उनमें, प्लांट की हाइट है, फ्लावर का कलर है, फ्लावर की शेप है, उसमें पाए जाने वाले पॉड या जो फली है उसका कलर है, उसकी शेप है, सीड का कलर है, सीड की शेप है। तो ये 7 वो कैरेक्टर्स हैं जिन पे वो रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च करने के बाद उन्हें जो लॉज पेश किए, आज हम उन लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, हमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, वो 46, अगर इंसान के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी 46 के जो पेयर बनेंगे वो 23 पेयर बनेंगे। अब ये पेयर जो होता है उसमें एक क्रोमोटाइट जो है वो हमें हमारे पेटर्नल हो सकता है मैटर्नल, यानी एक जो क्रोमोटाइट है वो हमें हमारे मेल पेरेंट से आता है, और दूसरा जो क्रोमोटाइड होता है वो हमारे फीमेल पेरेंट से हमें शिफ्ट होता है। तो जो ट्रेट हम में हैं वो ट्रेट जो होते हैं वो हर ट्रेट के लिए हमें 2 कोड्स आते हैं, या एक क्रोमोटाइड में जो कोड आया है वो हमें हमारे मेल पेरेंट ने भेजा है, और दूसरे क्रोमोटाइड में जो कोड आया वो हमें हमारे फीमेल पेरेंट ने भेजा है। यानी कह सकते हैं कि हर कैरेक्टर के लिए हमारे बॉडी के अंदर 2 कोड्स आते हैं या 2 फैक्टर्स आते हैं। अब उनमें हमेशा यही होगा कि अगर दोनों सेम हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर को, इस तरह के जायगोट को हम होमोजाइगस कहते हैं, यानी दोनों ही कैरेक्टर सिमिलर हैं। इन केस अगर दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक पेरेंट ने हमें जो फैक्टर भेजा है वो उसकी जो हाइट है वो लंबी है, टॉल है, अगर दूसरे पेरेंट ने हमें जो हाइट का फैक्टर भेजा है वो शॉर्ट है, इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स को हम हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो मेंडल यहाँ पे क्या करते हैं, एक टॉल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं और एक शॉर्ट प्लांट को सिलेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि दोनों जो हैं, दोनों के क्रोमोसोम्स मैच करवाते हैं, और उनके बाद ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्लांट जो उन्होंने उठाया था उसमें दोनों जो फीचर्स हैं वो प्योरली ब्रीड है, उनके दोनों फीचर्स टॉल हैं। और दूसरी तस्वीर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है, दूसरा जो पी प्लांट का, जो पी प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया था, उसकी जो कैरेक्टर है वो शॉर्ट है। दोनों के गैमेट्स जब बनते हैं तो गैमेट्स में एक ही फैक्टर, दोनों में से एक फैक्टर गैमेट में जाएगा। तो इस तरह टॉल प्लांट से एक कैपिटल टी का फैक्टर आता है और शॉर्ट प्लांट से शॉर्ट टी का फैक्टर आता है। फिर ये जब गैमेट्स मिलते हैं तो फिर जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो ऑफस्प्रिंग जो बना वो कैरेक्टर में, फिनोटाइप में फिजिकली उनको नजर आया कि ये टॉल है। तो वो कहते हैं, वो है, वो इस रिसर्च पे पहुंचते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को आपस में कंबाइन करेंगे या मिलाएंगे तो हमें नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी उसमें एक कैरेक्टर,
क्योंकि वो जो उनको जो पी प्लांट नेक्स्ट जनरेशन में मिला था वो टॉल था, तो वो कहते हैं कि जो छोटा कैरेक्टर है वो छुप गया है, मास्ड हो गया, हाइड हो गया, मास्क्ड हो गया है, हाइड हो गया है, छुप गया है। तो इस छुपे हुए कैरेक्टर को वो कहते हैं कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है जो कि हाइड हो चुका है, और जो कैरेक्टर अपियर हुआ है उसे वो डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पे मान लेते हैं और कहते हैं कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है जो कि अपियर हुआ है। इस तरह वो जो लॉ पहला देते हैं उसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में जॉन मेंडल कहते हैं कि व्हेन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फ्यूज, या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें एक कैरेक्टर जो अपियर होगा वो डोमिनेंट कहलाता है। इस तरह हमेशा ऐसा ही होगा कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के मिलने के बाद एक कैरेक्टर जो अपियर होगा और एक रिसेसिव हो जाएगा। इस तरह इनहेरिटेंस का पहला लॉ वो प्रपोज करते हैं जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। उसके बाद मेंडल यहाँ पे रुकते नहीं हैं, इसी प्रोसेस को वो आगे बढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं, इसी तरह के हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म की जनरेशन को कंटिन्यू करवाते हैं। तो ये जो जनरेशन पहली बनी थी कैपिटल टी और शॉर्ट टी की, इसे वो नाम देते हैं F1 का, या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी पहली औलाद। उसके बाद इसी जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर गैमिट बनाएंगे, ये देखिए आप तस्वीर में, यहाँ पे आपको ये गैमिट्स नजर आ रहे हैं। अगर गैमिट्स बनाएंगे तो एक टी का फैक्टर एक गैमिट के अंदर जाएगा, शॉर्ट टी का फैक्टर एक गैमिट के अंदर जाएगा। इस तरह दूसरा अगर प्लांट लेते हैं तो एक टी का फैक्टर कैपिटल टी का एक गैमिट के अंदर जाएगा और दूसरा शॉर्ट टी का फैक्टर एक गैमिट में जा रहा है। अब अगर पहले गैमिट को दूसरे ऑर्गेनिज्म के पहले गैमिट से मैच करवाते हैं तो हमें मिलता है टी और कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये प्योर कह सकते हैं कि प्योरली टॉल हो गया, फिनोटाइप जो कैरेक्टर के नजर आ रहे हैं वो टॉल हैं। इस तरह अगर फिर हम पहले गैमेट को दूसरे ऑर्गेनिज्म के दूसरे प्लांट के दूसरे नंबर गैमेट से मिलाते हैं तो हमें मिलता है टी, कैपिटल टी और शॉर्ट टी। ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना है ये है तो हेटरोजाइगस, लेकिन ये भी टॉल कैरेक्टर, इसका फिनोटाइप जो है वो भी टॉल है। फिर उसके बाद अगर हम पहले ऑर्गेनिज्म के दूसरे गैमेट को दूसरे ऑर्गेनिज्म के पहले गैमेट से मिलाते हैं तो हमें मिलता है शॉर्ट टी और कैपिटल टी। तो ये तीसरा जो ऑर्गेनिज्म बना एफ्री जनरेशन में या दूसरी औलाद की जनरेशन में, वो तीसरा जो ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है वो भी हेटरोजाइगस है, लेकिन फिनोटाइप वो हमें टॉल दिखता है। और चौथा जो गैमेट, यानी पहले ऑर्गेनिज्म का दूसरा गैमेट शॉर्ट टी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेकेंड गैमेट शॉर्ट टी, दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों मिलाएंगे तो हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो शॉर्ट मिलेगा, ये होमोजाइगस है। तो अगर यहाँ पे रेशियो निकालते हैं फिनोटाइप का तो यहाँ पे हमें तीन टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट मिलता है, तो रेशियो यहाँ पे निकलता है 3-1 का। अब मेंडल यहाँ पे मैथमेटिकली देखते हैं, वो गैमेट की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक जो हमें फिनोटाइप शॉर्ट मिला है वो कैसे मिला है। वो देखते हैं कि ये जो शॉर्ट टी का फैक्टर था या शॉर्ट टी का जो गैमेट था वो सेपरेट हुआ है, गैमेट सेपरेट हुए हैं दोनों ऑर्गेनिज्म के, फिर जो है ये जो शॉर्ट टी का गैमेट था इस तरह सिंगल ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँचा। तो इससे वो नतीजा जो निकालते हैं वो ये निकलता है कि हर ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट होते हैं उसके अंदर ये जो फैक्टर्स होते हैं सेपरेटली मुंतकिल होते हैं। इस तरह ये सेपरेटली गैमेट्स के मुंतकिल होने के बाद वो जो लॉ प्रपोज करते हैं उसको वो नाम देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं और ये पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेटली या इंडिविजुअली गैमेट्स के अंदर मुंतकिल होते हैं, तभी हमें ये सेपरेट कैरेक्टर्स मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाते। तो वो बताते हैं कि व्हेन द गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन, तो गैमेट्स के अंदर ये जो फैक्टर्स हैं वो सेपरेटली मुंतकिल होते हैं। तो ये था मेंडल का सेकंड लॉ जिसे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। तो डियर लर्नर्स, मेंडल का ये मानना था, मेंडल की जो रिसर्च थी वो हमें ये बताती है कि एक ट्रेट के लिए हमेशा दो ही फैक्टर्स होते हैं या दो ही कोड्स होते हैं जो कि पेरेंटल और मैटरनल ट्रांसफर किए जाते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग। अगर हेटरोजाइगस की कंडीशन होगी तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा और ये सेपरेटली मुंतकिल होते हैं। लेकिन उसके बाद जो रिसर्च हुई इस पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक।